हेलो एवरीवन, मैं विशाल आप सभी का बीएचयू पाठशाला के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज मैं आप सभी के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ फंडामेंटल राइट का। फंडामेंटल राइट में भी बहुत ही दो सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब अपने हिसाब से देखा जाए, आर्टिकल्स जो है आर्टिकल 12 और 13, उसके बारे में हम थोड़ी सी क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे हमारा फंडामेंटल राइट, अगर देखोगे तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, ये सभी को पता होगा, ठीक है। लेकिन जब कभी भी हम अधिकार यानी राइट्स की बात करते हैं तो वो जनरली हम आर्टिकल 14 से लेकर के 35 के बीच में देखते हैं, ठीक है। मतलब राइट टू इक्वालिटी का शुरुआत कहाँ से होता है? राइट टू इक्वालिटी का शुरुआत होता है आर्टिकल 14 से। लेकिन अब आप कहोगे सर, जब भी हम फंडामेंटल राइट एज ए होल देखते हैं वो पूरा आर्टिकल 12 से लेकर के शुरू होता है, तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 ये दोनों कहाँ गए? ये दोनों हैं क्या एक्चुअली? तो एक्चुअल में हमें यही नहीं समझ में आता कि होता क्या है। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसे मैं आज आप सभी के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। इसे ध्यान से और गौर करके सुनिएगा, ठीक है। तो जब कभी भी हम आर्टिकल 12 की बात करते हैं, किसकी? आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। जब हम आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये कोई राइट देता है नहीं एज अ, ठीक है। ये केवल केवल स्टेट एज क्या होता है उसको डिफाइन करता है। क्या? स्टेट को डिफाइन करता है। मीन्स अगर पॉलिटिकल कंसेप्ट में यानी पॉलिटिकल सिनेरियो में देखोगे तो व्हाट शैल बी द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट एज रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो चीज़ें हमें कहाँ से दिखती है? आर्टिकल 12 से दिखती है। एंड आर्टिकल 13 जो है वो बेसिकली दो कंसेप्ट इसमें आप इंक्लूड करके रख सकते हो। पहला तो लॉ होता क्या है, उसे क्या किया गया? डिफाइन किया गया। क्या डिफाइन किया गया है? अनदर थिंग इज कि ये जुडिशियल रिव्यू की भी बात करता है। किसकी? जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। तो ये दोनों कंसेप्ट को हम आज समझते हैं, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, लेकिन क्या एक्चुअली समझ में आता है नहीं लोगों को, लोग समझ नहीं पाते, डायरेक्ट आर्टिकल 14 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 12 में स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है, स्टेट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आर्टिकल 12, ठीक है, आर्टिकल 12 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, व्हाट शुड बी द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 12 का ऐसा वर्ड लिखा है कि आर्टिकल 12 हैज डिफाइंड द टर्म स्टेट, ठीक है। डिफाइन द टर्म स्टेट मीन्स एज अ स्टेट व्हाट इट विल इंक्लूड, इट विल इंक्लूड फॉलोइंग थिंग्स लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ही आता है, मीन्स केंद्र की सरकार और संसद दोनों किसके पार्ट हैं? स्टेट के पार्ट हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज सारे स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, सारे स्टेट के गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग देयर लेजिस्लेचर्स ऑफ देयर स्टेट्स, ये सब भी किसकी पार्ट होती हैं? ये भी हमारे किसके पार्ट होते हैं? स्टेट के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले केंद्र यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स पार्लियामेंट, सेकेंड सारे स्टेट के गवर्नमेंट अलॉन्ग विद देयर स्टेट लेजिस्लेचर, वो भी हमारे स्टेट के पार्ट होते हैं। थर्ड वन इज ऑल लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, जितने भी लोकल अथॉरिटीज होते हैं जैसे म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ठीक है, ये सब भी किसके अंदर आती है? ये स्टेट के अंदर आती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अब आप कहोगे सर इसको फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड करने की क्या आवश्यकता थी, इस स्टेट के डेफिनेशन को कहीं और दिया जा सकता था, लेकिन इसे पार्ट 3 में ही क्यों इंक्लूड किया गया फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो फंडामेंटल राइट हम कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है, ये एक्चुअली किसके अगेंस्ट यूज होता है? ये एक्चुअली स्टेट के अगेंस्ट यूज होता है। मतलब हम एज अ पर्सन यानी हम एज अ इंसान या पर्सन एज अ सिटीजन हम इसको किसके अगेंस्ट यूज करते हैं? स्टेट के अगेंस्ट यूज करते हैं, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल सिनेरियो यानी पॉलिटिकल मतलब में स्टेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इट मीन्स बाय अ स्टेट टर्म स्टेट। तो इसीलिए सबसे पहले स्टेट का मतलब तो पता होना चाहिए, तभी ना हम ये फंडामेंटल राइट को स्टेट के अगेंस्ट इन्फोर्स करा सकते हैं। आपको पता होगा कि फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिएबल ऑल्सो, ठीक है। तो स्टेट के अगेंस्ट तो हमें इसीलिए आर्टिकल 12 में यानी फंडामेंटल राइट बताने से पहले स्टेट को डिफाइन किया गया है,
ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। ये बहुत ही माइनर सा क्या है कंसेप्ट है, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो हम स्टेट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते हैं, कि मतलब गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून या बिल ना बना दे जिससे क्या हो, हमारा फंडामेंटल राइट क्या हुआ, लेट हो। तो गवर्नमेंट यानी स्टेट, स्टेट है क्या वो पहले जान लीजिए। तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद देयर पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स जितने भी हैं अलॉन्ग विद देयर लेजिस्लेचर्स, अलॉन्ग विथ ऑल द लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट एटसेट्रा, अलॉन्ग विथ ऑल अदर अथॉरिटीज, ठीक है, लाइक LIC, ONGC एंड SEL, जैसे आपने इसका नाम सुना होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस सारे आर्टिकल में अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो अदर अथॉरिटीज का ही कंसेप्ट है, ठीक है। एक्चुअली ये अदर अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइंड नहीं है कि इन अदर अथॉरिटीज के अंदर भी क्या क्या चीजें आएंगी, लेकिन ये पूरी की पूरी हमारे सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है। किसके? सुप्रीम कोर्ट के विवेक शक्ति पे, ठीक है, डिस्क्रिशन पे डिपेंड करती है कि वो डिसाइड करेगी कि कौन कौन सी बॉडीज को हम अदर अथॉरिटीज के अंदर इंक्लूड करते कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये क्या है, इंक्लूसिव इन नेचर है। क्या? इंक्लूसिव इन नेचर है, ठीक है। मतलब हम सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगी कि अदर अथॉरिटीज अंदर कौन कौन सी बॉडीज फॉल करेंगी या नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है, और किस लिए स्टेट को डिफाइन करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स किस के अगेंस्ट हम यूज करते हैं, स्टेट के अगेंस्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टेट का हमें डिफिनेशन यानी पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल में स्टेट होता क्या है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें, ये हो गया हमारा आर्टिकल 12, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि आर्टिकल 12 के अंदर क्या क्या चीजें और आती हैं, ठीक है, आप इतना याद रखिए। अगर हम आगे बात करें आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्या इसमें दो चीज हमें पढ़ना है, एक तो लॉज क्या होते हैं अलॉन्ग विथ जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, ठीक है। तो आप याद रखिए क्या, आर्टिकल 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 में सबसे पहले लॉज, ठीक है, लॉज दैट आर इनकंसिस्टेंट विद आवर डिग्निटीज और फंडामेंटल राइट्स आई विल बी वॉइड, देखो ये आ गया क्या, जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट। मतलब क्या कहने का, कि कोई भी कानून या बिल जो हमारे किसके, हमारे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, ठीक है, दैट शैल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड बाय हूम, बाय जुडिशरी, बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो दैट इन्होंने जुडिशियल रिव्यू कर रही है, कौन रिव्यू कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट कर रही है, ठीक है, किसको, अंडर आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मींस क्या, जैसे कि मैंने अभी बताया, ये चीज जानिए कि सुप्रीम कोर्ट, अरे फंडामेंटल राइट को क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो नोन एज गारंटीड राइट्स, ये गारंटीड राइट है, तो गारंटर भी होना चाहिए उसके लिए कोई, तो हु इज द गारंटर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट को जो गारंटर बनाया गया है, तो वो आर्टिकल 13 से ही अपनी पावर को लेती है। कोई भी ऐसा कानून या बिल बन गया जिसे लगता है कि लोगों का फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तब वहां पे सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाएगी और आर्टिकल 13 का इस्तेमाल करके क्या करेगी, रिव्यू करेगी उस बिल को, इसी को, और कौन कर रहा है रिव्यू, जुडिशरी कर रही है, इसीलिए कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 13 का कंसेप्ट। अब देखिए, अब यहां पर लिखा है लॉज, लॉज को मैंने इनवर्टेड कॉमा में लिखा है, क्या लॉज मतलब, क्या लॉज का मतलब भी तो पता होना चाहिए। जैसे स्टेट हमने पढ़ा कि स्टेट जब भी हो तो मतलब उसका है क्या, उसका मतलब वहां हमने देख लिया सारी चीजें, अब लॉज मतलब क्या, क्या लॉज का मतलब होता है, परमानेंट लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जितने भी लॉज जो कि क्या संसद बनाए या स्टेट की लेजिस्लेचर बनाए उसे क्या कह सकता है, उसमें उसको क्या कहेंगे, लॉज कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से टेम्पररी लॉज लाइक ऑर्डिनेंसेस, अध्यादेश, जैसा कि अगर आप पेड कोर्स है अदर कोर्सेज ज्वाइन करोगे तो उसमें मैंने आराम से एकदम डिटेल में बताया कि ऑर्डिनेंसेस होते क्या हैं और कौन कौन से आर्टिकल, यानी अगर आप बात करोगे प्रेसिडेंट साहब हमारे आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, और सारे स्टेट के गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 213, ठीक है। तो ऑर्डिनेंसेज जो इशू किए जाते हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। उसके बाद स्टेचुटरी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ डेलीगेशन लेजिस्लेशन, ऑर्डर हो गया, कोई बाईलॉ हो गया, कोई रूल हो गया, कोई रेगुलेशन हो गया, कोई नोटिफिकेशन भी हो सकता है, वो भी लॉज के अंदर ही आएंगे,
ठीक है। तो अगर जुडिशियल रिव्यू करना है जुडिशरी को, तो एटलीस्ट लॉ का डेफिनेशन तो पता होना चाहिए कि लॉ एक्चुअल में होता क्या है, तभी ना सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करेगी जब उसे लगेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। ठीक है, तो इन दिस केस एंड थर्ड वन इज नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ दैट इज कस्टम्स और यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ यूजिंग कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये होता है क्या आर्टिकल 13 का, लॉज के अंतर्गत इतनी सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो यही होता है क्या जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट, मतलब जुडिशियल रिव्यू, रिव्यू कौन कर रहा है, जुडिशरी कर रहा है, इसलिए उसे कह रहे हैं जुडिशियल रिव्यू। क्यों कर रहा है जुडिशरी, क्योंकि संविधान ने उसे गारंटर बनाकर रखा हुआ है, किसका, मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का। ठीक है, तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट का किसी प्रकार से स्टेट, मतलब जो मैंने स्टेट का डेफिनेशन दिया, किसी भी प्रकार से क्या वायलेशन कर रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी के पास, और उसे उसे कहेंगे कि हमें अपना फंडामेंटल राइट क्या करना है, इन्फोर्स कराना है अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा गारंटर सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी बैठा है, वो आर्टिकल 13 से ही पावर लेता है क्या जुडिशियल रिव्यू का। ठीक है, यही होता है जुडिशियल रिव्यू, और जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर भी डाला गया है। बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट मैंने आराम से, आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करिए, वहाँ पे डिटेल में बताया क्या बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर एज कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन केशवानंदा भारती केस में 1973 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हैज इनफ पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट शैल नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, तो ये केशवानंदा भारती केस से इवॉल्व होकर आया है, वो हम लोग डिटेल में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए दिस कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट्स एज वैलिड फंडामेंटल, हेंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। मैंने अभी बताया कि अगर इनमें से कोई लॉ रिलेटेड कोई भी चीज़ें बनाएगी, तो उसे हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और क्या उसे वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स जुडिशियल रिव्यू। ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू ही तो है। Another thing is, word law do not apply to personal laws. एक चीज याद रखिएगा, जितने भी personal laws होते हैं, मतलब क्या, जैसे मुस्लिम के शरीयत लॉ हो गए, ठीक है, हिंदू कोड बिल हो गया, ये सारी पर्सनल चीज है, वो लॉ के अंतर्गत इंक्लूड नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतना भी याद रखिएगा ये कंसेप्ट, क्योंकि इसमें संविधान में लिखा ही नहीं है क्या कि डज नॉट इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑल्सो। इसमें ये भी नहीं लिखा है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होंगे, यानी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 एंड अदर थिंग, ठीक है, उनको भी इंक्लूड नहीं किया गया इसके अंतर्गत। इसलिए एक बहुत बड़ा डिबेट हो जाता है क्या कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम और जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्लूड ही नहीं किया गया है, तो भाई पार्लियामेंट तो किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। ठीक है, तो इसी के बाद यही कंसेप्ट आता है क्या केशवानंदा भारती का कि ठीक है, पार्लियामेंट हैज इनफ पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट शैल नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होता है क्या आर्टिकल 13 का कंसेप्ट। कितना, मतलब एक छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इससे बहुत सारी सिनेरियो यानी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है हर चीज़ को क्या जोड़ने की। बहुत ही पावरफुल क्या है ये हमारा आर्टिकल है। ठीक है, उसी तरीके से हाउ एवर द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन, मैंने बताया केशवानंदा भारती केस 1973, दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आप अमेंड करिए जितना भी करना है, ठीक है, आप सुप्रीम है, ठीक है, करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कर टच ना करिए। ठीक है, तो याद रखिए ये होता है क्या आर्टिकल 13 का। इसे और भी हम लोग डिटेल में अभी लिमिटेड टाइम को जैसे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर पेड कोर्स पे अगर हमारे साथ जुड़ेंगे BHU पाठशाला पे, तो उसमें हमने क्या किया, इसे और भी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अभी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 का मतलब समझिए। ठीक है, तो यही होता है, इसलिए इसे राइट नहीं, इसे पहले बताया गया है कि आर्टिकल 12 में स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है एंड आर्टिकल 13 में वर्ड लॉ इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करेगा, वो इन सारी चीज़ों को दिया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी इस चीज़ को समझे होंगे अच्छे से। ठीक है, और हम लोग, अगर आपको अच्छा लगे तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ पेड कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग वहाँ पे डिटेल से, बहुत डिटेल में पॉलिटी को कवर करेंगे, और आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से या किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के एग्जाम से छूटने वाला नहीं। ठीक है,
चलिए अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं यूट्यूब के ही अगले वीडियो पे। तब तक के लिए हर हर महादेव।